नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल विभू की क्लासेस में। तो बेटा, आज की क्लास में आपके टॉप 10 प्रश्न होने वाले हैं, टॉप 10 प्रश्न होने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आपको इनमें 10 में से सिर्फ 7 प्रश्नों का जवाब देना। क्या 10 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 7 प्रश्नों का जवाब देना? अगर आपने 7 प्रश्नों का जवाब दे दिया बेटा, तो आपका सिलेक्शन पक्का। अगर आपने इनमें से 7 प्रश्नों का जवाब दे दिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। बट क्वेश्चन भी बहुत हार्ड है भाई, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। अब देखते हैं आप कितने क्वेश्चन राइट करते हो। मुझे तो उम्मीद है कि मेरे सारे के सारे बच्चे दसों के दसों क्वेश्चन उड़ा देंगे। क्या दसों के दसों क्वेश्चन उड़ा देंगे? अब देखते हैं आप कितने प्रश्नों का रिप्लाई देते हो। अपना स्कोर जितना अभी आपने सही किया उसका स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपने बेटा कितना क्वेश्चन सही किए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर बेटा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, कंप्यूटर के विभिन्न भौतिक अंग जिसे स्पर्श या देख सकते हैं। बेटा, कंप्यूटर के विभिन्न भौतिक अंग जिन्हें देख या स्पर्श कर सकते हैं बेटा, क्या कहलाते हैं हमारे, वो हमारे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ने दिया हार्डवेयर, ऑप्शन बी दिया सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी दिया यंत्र, एंड ऑप्शन डी दिया इकाई। तो बेटा आपको इसका राइट आंसर बताना है। बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा हार्डवेयर। क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हार्डवेयर। कंप्यूटर के उन अंगों को हम स्पर्श कर सकते हैं और छू सकते हैं बेटा, वो हमारे होते हैं हार्डवेयर। देखो, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। जैसे आपने हार्डवेयर, जैसे आपका कीबोर्ड हुआ, मॉनिटर हुआ, और जॉयस्टिक हुआ, सीपीयू हुआ, ठीक है, वो सब कुछ हुआ, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं? ये कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। क्या? जैसे हमारा सीपीयू हुआ और मॉनिटर हुआ, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, ये सभी हमारे हार्डवेयर हैं। इन्हें बेटा छू भी सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। एक होता है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बेटा हमारा होता है, सॉफ्टवेयर में तो सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या? सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं बेटा। जैसे आपने कोई ऐप चलाया, कोई आपने मोबाइल पे, बता रहा हूँ आपको, जैसे आप मोबाइल पे ऐप यूज करते हो, जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हो, तो बेटा आपका व्हाट्सएप क्या है? व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है, तो आप उसे छू तो नहीं सकते ना, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हो बेटा। हमारा व्हाट्सएप ऐप है, उसे हम यूज करते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप उसे बाहर निकाल के उसके साथ खेल सकते हो, उसे पकड़ सकते हो, नहीं ना। तो ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर, हार्डवेयर। क्या होता है? हार्डवेयर कंप्यूटर के विभिन्न अंग हैं जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, कंप्यूटर का वह पार्ट जिसको जिसको हम केवल देख सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं कहलाता है हमारा। कंप्यूटर का वह पार्ट जिसको हम केवल देख सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं हमारा क्या कहलाता है? बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखते हैं आप इनमें से कितने प्रश्नों का जवाब दे सकते हो। अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कमेंट कीजिए कि आपने कितने प्रश्नों का जवाब दिया है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन बेटा आपसे, कंप्यूटर का वह पार्ट जिसको हम केवल देख सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं वो कहलाता है हमारा, बेटा हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा क्या कहलाता, अरे क्या कहलाता है बेटा आपका, हमारा वो हमारा कहलाता है सॉफ्टवेयर। मैंने आपको बता ही दिया है, सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ उस पर वर्क कर सकते हैं, ना कि उसे हम छू सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है भाई? इसका आपको राइट आंसर बताना है। कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है हमारा, क्या होता है आपको बताना इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय संसाधन इकाई, सीपीयू इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, निम्न में से किसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है? निम्न में से किसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा ये क्वेश्चन, तो आपको कंफर्म पता होगा क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। निम्न में से किसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? बेटा किसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है आपको बताना इसका राइट आंसर। बेटा राइट आंसर होगा सीपीयू को। किसे? सीपीयू को, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, डेटा प्रोसेसिंग के चरण हैं, तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। कौन सा आपका इसका राइट आंसर होगा आपको इसका राइट आंसर बताना बेटा। इसका कौन सा राइट आंसर होगा आपको इसका राइट आंसर बताना है, तो बेटा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ये सभी। देखो डाटा प्रोसेसिंग के चरण तो को रिकॉर्ड करना भी होता है, वर्गीकरण करना भी होता है, क्रमबद्धता भी होता है, तो डाटा प्रोसेसिंग के अंदर ये सभी कार्य आ जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है,
सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। टिक मार लीजिए, स्टार लगा लीजिए, सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये आपका टेस्ट चल रहा है, इसमें आपको कितने क्वेश्चन आपने किए, अगर आपने 10 में 10 क्वेश्चन कर दिए बेटा तो आपका सिलेक्शन पक्का है। मैं तो आपसे कहता हूँ 10 में से अगर आपने 7 भी क्वेश्चन कर दिए, अगर 10 में से आपने 7 भी क्वेश्चन सही कर दिए बेटा तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन ने बेटा आपसे पूछा है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया? तो बेटा आपको इसका राइट आंसर बताना है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम पंच कार्ड का हमारा प्रयोग किया था जोसेफ मेरी के द्वारा। किसके द्वारा? जोसेफ मेरी के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जोसेफ मेरी के द्वारा सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे, इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग कब हुआ? इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग कब शुरू हुआ? तो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बेटा क्या होगा आपको बताना है, इसका राइट आंसर होगा हमारा 1950 में, 1950 में। किसमें? 1950 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा बेटा, संगणक कैलकुलेटर मशीन का आविष्कार किसने किया? बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, संगणक कैलकुलेटर मशीन का आविष्कार किसने किया? संगणक कैलकुलेटर मशीन का आविष्कार किसने किया? आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा हमारा, इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ब्लेज पास्कल ने। किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने संगणक कंप्यूटर कैलकुलेटर मशीन का आविष्कार किया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ब्लेज पास्कल के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, हाइब्रिड कंप्यूटर मिश्रण है, हाइब्रिड कंप्यूटर मिश्रण है। तो बेटा इसमें आपको चार ऑप्शन दिए हैं, आपको इसमें राइट आंसर छांटना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। अब आपको इसमें बताना होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा। इसका राइट आंसर जो हमारा होगा हाइब्रिड कंप्यूटर के मिश्रण है। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर। क्या? एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर को जोड़ने में जो हमारा बनता है, मिश्रण होता है, उसमें बनता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, 1918 में किस कंपनी ने घरेलू उपयोग हेतु कंप्यूटर का निर्माण किया? 1980 में किस कंपनी ने घरेलू उपयोग हेतु कंप्यूटर का निर्माण किया? तो बेटा आपको इसका राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा। इसका राइट आंसर होगा आईबीएम ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का फुल फॉर्म होता है बेटा, क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आपको इसमें बताना है कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन राइट किए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपका कितना स्कोर रहा है, आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। अगर आपने 10 में से 10 क्वेश्चन भी राइट किए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपने 10 में से जितने भी क्वेश्चन राइट किए हैं आप मुझे कमेंट कीजिए बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपने 10 में से 2 भी किए, 5 भी किए, 7 भी किए, 8 भी किए, 9 भी किए, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको, अगर आप कमजोर होगे तो मैं आपकी तैयारी और भी बेहतर कराऊंगा, आपकी तैयारी और भी बेहतर कराऊंगा, ठीक है। आपको दिक्कत लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे, अब उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन कन्फर्म हो गए होंगे, ठीक है। तो अभी तक अपने आपने अभी तक अपनी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए भाई, अभी तक आपने अपनी क्लास को अपने परिवार के साथ नहीं जुड़े हो तो अभी जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवार में जुड़ जाइए। और आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब।